मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्यूटेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कम्यूटेशन पढ़े हैं। आज हम एक न्यू कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ेंगे जो क्या है, क्लास बी कम्यूटेशन, या फिर इसे बोलते हैं हम करेंट कम्यूटेशन या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। क्लियर? तीन नेम है इस कम्यूटेशन का, क्लास बी कम्यूटेशन या फिर इसे हम बोलेंगे क्लास बी कम्यूटेशन या फिर करेंट कम्यूटेशन या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। करेंट कम्यूटेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कम्यूटेशन हो रहा है वो किसके कारण होगा, करेंट के कारण होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करेंट कम्यूटेशन बोल रहे हैं। कम्यूटेशन क्या होता है, अगेन मैं आपको डिफाइन करती हूँ। कम्यूटेशन क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। क्लियर? हम यहाँ कम्यूटेशन टेक्निक पढ़े थे, तो चलिए देखते हैं कि क्लास बी कम्यूटेशन में क्या होता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमने दो थायरिस्टर यूज किया है, T1 और T8। T1 क्या है आपका, मेन थायरिस्टर। T1 क्या है, मेन थायरिस्टर। और TA क्या है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। यहाँ पे हमने दो थायरिस्टर यूज किया है, T1 इज मेन थायरिस्टर और TA इज ऑक्सिलरी थायरिस्टर। T1 हमारा मेन थायरिस्टर है जिसे हमें टर्न ऑफ करना है, मीन्स T1 को हमें कम्यूटेट करना है। तो T1 को कम्यूटेट करने के लिए हमने एक और थायरिस्टर लगाया है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर, TA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको। और क्या क्या लगा है आपका, एक डायोड लगाया गया है सर्किट में, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टेंस है। थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो होने वाला करेंट क्या है, IT1। अब देखिए जो लोड करेंट है वो क्या है, I0, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, कैपिटल I0। यहाँ पे जो लोड करेंट है उसे मैंने क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट एज्यूम किया है, मतलब वो कांस्टेंट है और फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इनिशियली हम देखते हैं क्या हो रहा है आपका, इनिशियली क्या होगा, दोनों थायरिस्टर T1 और TA क्या रहेंगे, ऑफ कंडीशन में रहेंगे। T1 और TA इनिशियली दोनों ऑफ कंडीशन में रहेंगे, और जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज रहेगा अप टू वोल्टेज VS। तो इनिशियली क्या हो रहा है, T1 एंड TA ऑफ है, और जो कैपेसिटर वोल्टेज है VC वो किसके इक्वल है, VS के इक्वल है, विथ लेफ्ट हैंड प्लेट पॉजिटिव एंड राइट हैंड प्लेट निगेटिव। ये पोलैरिटी ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में इनिशियली क्या हो रहा है, T1 और TA क्या है, ऑफ है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज है। कहाँ तक चार्ज है, वो अप टू सप्लाई वोल्टेज VS, विथ लेफ्ट हैंड प्लेट पॉजिटिव एंड राइट हैंड प्लेट निगेटिव। कैपेसिटर कैसे चार्ज है आपका, विथ लेफ्ट हैंड प्लेट पॉजिटिव। क्लियर? अब हम देखते हैं एट P इज इक्वल टू जीरो मैं क्या कर रही हूँ, थायरिस्टर T1 को ऑन कर रही हूँ। आपको पता है हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, SCR या फिर थायरिस्टर। तो थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होने के बाद भी कंडक्शन स्टेट में नहीं आता है जब तक कि हम उसको क्या ना देते, गेट पल्स ना देते। तो एट T इज इक्वल टू जीरो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो IG1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो थायरिस्टर है हमारा मेन थायरिस्टर T1, उसके लिए हम जो गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IG1। IGA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है TA, उसको हम जो गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है IGA।
तो देखिए यहाँ पे एट t इज इक्वल टू जीरो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेन थायरिस्टर है t1 उसको गेट पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं उसको गेट पल्स प्रोवाइड करूंगी कंडक्शन स्टार्ट होगा, हमारा जो मेन थायरिस्टर है उसके थ्रू क्या स्टार्ट होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो देखिए कैसे होगा कंडक्शन, एस टर्मिनल से स्टार्ट होगा, वी एस टर्मिनल पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, T1 में जाएगा, लोड में जाएगा और रिटर्न होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो T1 को मैं क्या कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। तो क्या होगा पूरे सर्किट में, क्या होगा लोड करंट फ्लो होगा, इसका पाथ कैसे होगा, वी एस प्लस T1 और लोड Vs माइनस, ये इसका पाथ होगा। अब देखिए हमारा कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, लेकिन इसको कोई पाथ मिल रहा है कि डिस्चार्ज होने के लिए, इसे कोई भी पाथ नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे TA क्या है, मैंने उसे कोई ट्रिगर पल्स नहीं दिया है। हालांकि TA क्या है, अभी फॉरवर्ड बायस के केस में है। कैसे फॉरवर्ड बायस के केस में है, ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है इसका लेफ्ट हैंड क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई है वो किसको मिल रहा है, थायरिस्टर के एनोड को। तो ये किस कंडीशन में, अभी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है, लेकिन मैंने अभी इसे गेट पल्स नहीं दिया है, इसलिए ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसा ओपन सर्किट। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, अभी ओपन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे डायोड है, यहाँ पे क्या है निगेटिव पोलैरिटी, तो ये जो निगेटिव पोलैरिटी के कारण ये डायोड भी कैसे बिहेव करेगा, ऐसा रिवर्स बायस। तो ये भी कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो इस कैपेसिटर वोल्टेज, इसे डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ मिल पा रहा है क्या, अभी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्या होगा, अप टू टी इज इक्वल टू जीरो टू T is equal to 0 से T1 तक क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और किसके इक्वल रहेगा, Vs के इक्वल रहेगा। IC जो इस रेजोनेंट सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे इसे कोई पाथ ही नहीं मिला है। यहाँ से भी क्या है, हमारा रास्ता ओपन है, यहाँ से भी हमारा पाथ क्या है, ओपन है। तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे जो रेजोनेंट करंट की वैल्यू है, कैपेसिटर की करंट की वैल्यू है, वो क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी। तो ये क्या है आपका, जीरो। IC क्या है, रेजोनेंट करंट बोलो या फिर कैपेसिटर करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस। तो यहाँ पे T is equal to 0 से T1 तक IC की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। IT1 की वैल्यू क्या रहेगी, I0 के इक्वल रहेगी। क्यों, क्योंकि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, लोड करंट, वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इस T1 के थ्रू, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है अभी, शॉर्ट सर्किट। ये कैसे बिहेव कर रहा है अभी, शॉर्ट सर्किट। I0 को मैंने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, I0। तो T is equal to 0 से T is equal to T1 तक क्या होगा, एक आउटपुट करंट फ्लो होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, I0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, VC का वोल्टेज किसके इक्वल है, VS। IT1 is equal to क्या है, I0। IC is equal to क्या है, 0। और लोड करंट I0 is equal to क्या है, I0। कब से कब तक है ये, एट T is equal to 0 टू T is equal to T1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब देखो ये किस केस में था, अप टू T is equal to 0 से T1। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है TA वो फॉरवर्ड बायस में है। कैसे फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई किसको मिल रहा है, थायरिस्टर के एनोड को। तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एट T is equal to T1 TA को मैं क्या कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। कैसे ऑन कर रही हूँ,
जो हमारा मेन थायरिस्टर है टी ए, ऑक्सिलरी थायरिस्टर टी ए, उसे मैं क्या कर रही हूँ, गेट पल्स दे रही हूँ। तो क्या होगा, अब इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिल गया, उस टाइम पे ये डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस ही रहेगा। क्यों रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी भी क्या है, निगेटिव पोलैरिटी, इसलिए ये डायोड अभी क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। तो क्या होगा, अब जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कैसे होगा, इस टर्मिनल से स्टार्ट होगा, वी सी प्लस से स्टार्ट होगा टी ए, फिर एल और ये आपका सी। तो हम क्या कर रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू टी वन, टी ए इज ऑन, इस केस में क्या होगा, रेजोनेंट करेंट, रेजोनेंट करेंट आई सी विल फ्लो, इसका पार्ट कैसे होगा आपका, बी सी प्लस टी ए एल एंड बी सी माइनस, ये किसका पाथ हुआ है, आईसी का पाथ हुआ है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैंने आईसी का डायरेक्शन क्या माना है, इस डायरेक्शन में माना है, लेकिन आईसी कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बीसी प्लस से टीए, और ये ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है आईसी का, उसके अपोजिट में क्या हो रहा है, आईसी फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने जो वेवफॉर्म बनाया है आईसी का, वो क्या बनाया है, निगेटिव बनाया है। निगेटिव सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन जो एज्यूम किया है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, निगेटिव फॉर्म में बनाया गया है, क्लियर। अब इस टाइम में क्या होगा, कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होगा, कब तक डिस्चार्ज होगा, अप टू माइनस वी एस तक, जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस वी एस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मीन्स ये जो पहले पॉजिटिव था अब क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इससे पहले इसका जस्ट अपोजिट था, वेवफॉर्म में आप देख सकते हो कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है अप टू वोल्टेज माइनस वी एस, आई टी वन के थ्रू अभी भी करेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप ऑन कर रहे हो टी ए को, एक रेजोनेंट करेंट फ्लो हो रहा है, प्लस क्या फ्लो हो रहा है, लोड करेंट फ्लो हो रहा है, लोड करेंट आई नॉट, इसका पाथ भी क्या है, सेम है आपका, बी एस प्लस टी वन लोड और बी एस माइनस, दो करंट फ्लो हो रहे हैं सर्किट में। अब क्या होगा, जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो ये जो माइनस पोलैरिटी है वो किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, जो हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है टी ए उसके एनोड में, तो ये थायरिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, तो कैसे बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट। तो देखो जैसे ही ये क्या हुआ आपका, कंप्लीटली डिस्चार्ज हुआ, उसके अक्रॉस पोलैरिटी फिक्स हुई, एट टी इज इक्वल टू टी टू टी ए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू टी टू टी ए ऑफ। क्यों ऑफ हुआ है ये, बिकॉज कैपेसिटर वोल्टेज बी सी इज इक्वल टू माइनस वी एस, पोलैरिटी जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, इसलिए क्या हो गया, ये टी ए क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब इस टाइम पे ये क्या हो गया, अब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कनेक्टेड था, डायोड, तो डायोड के एनोड को क्या मिल रहा है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, ये जो पॉजिटिव है वो किसको मिल रहा है, डायोड को। तो अब इस केस में डायोड कैसे बिहेव करेगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट,
तो अब हमारा जो रेजोनेंट करेंट है वो कैसे फ्लो होगा, एट टी इज इक्वल टू टी टू, जैसे ही टी ए ऑफ हुआ, नाउ आईसी का पाथ क्या होगा, आईसी का पाथ क्या होगा, वीसी प्लस एल डायोड डी आई टी वन और बीसी माइनस, क्लियर। तो यहां पे देखो अब डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है जो मैंने एज्यूम किया था, क्लियर। तो यहां पे देखो अब आईसी की वैल्यू क्या हो रही है, इस पॉइंट के बाद यहां पे ऑफ हुआ यहां पे ऑफ हुआ, उसके बाद आईसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि सेम डायरेक्शन है हमारा जो हमने एज्यूम किया था, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अब करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो यहां से क्या करेंट फ्लो हो रहा है, आई टी वन, और यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, आई सी, क्लियर। यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, आई सी। अब देखो आई टी वन ऐसे फ्लो हो रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आईसी, मतलब आईसी जो करेंट है वो आई टी वन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। आप देख सकते हो आई टी वन ऐसे फ्लो हो रहा है और आईसी कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आईसी क्या कर रहा है, आई टी वन को अपोज कर रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। तो हम केसीएल अप्लाई करते हैं एट नोड ए, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट, आई टी वन क्या है इनकमिंग करेंट, आईसी भी क्या है इसमें इनकमिंग करेंट, इज इक्वल टू क्या होगा आउटगोइंग क्या है आई नॉट। यहां से अगर मैं आई टी वन की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई सी। तो क्या हो रहा है देखो, जब आई टी वन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज कौन कर रहा है, आई सी, उसी डायरेक्शन में फ्लो होके क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होके आई सी आई टी वन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहां से आई टी वन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आई टी वन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ आई सी, बिकॉज क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है। जब व्हेन आई सी इज इक्वल टू आई नॉट, तब क्या हो जाएगा, जब इस आई सी की वैल्यू आई नॉट के इक्वल हो जाएगी तब क्या होगा, आई टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आई टी वन इज इक्वल टू आई नॉट और आई सी की वैल्यू क्या हो जाए, आई नॉट, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, और आई टी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स थायस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थायस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करेंट अगर जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही इस आई सी की वैल्यू आई नॉट को अचीव होगी, यहाँ पे देखो जैसे ही आई सी की वैल्यू आई नॉट को अचीव किया, थायरिस्टर टी वन के थ्रू फ्लो होने वाला करेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और जैसे टी वन से फ्लो होने वाला करेंट जीरो हुआ, मेरा थायरिस्टर टी वन क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये जो कम्यूटेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, करेंट के कारण हो रहा है, थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करेंट क्या हो गया, जीरो। इसलिए हम इसको बोलते हैं करेंट कम्यूटेशन। क्लियर है कि कैसे आपका टर्न ऑफ हो रहा है, थायरिस्टर टी वन बिकॉज ऑफ रेजोनेंट करेंट आई सी, आई सी क्या हो रहा है, आई टी वन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, अगर आप इस केसीएल इस पॉइंट पे केसीएल लगाओगे तो क्या मिलेगा हमें, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट, आई टी वन प्लस आई सी इज इक्वल टू आई नॉट। अब यहां से अगर आप आई टी वन की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, आई टी वन इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई सी। जब आई सी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी आई नॉट के, तो क्या हो जाएगा, आई टी वन इज इक्वल टू आई
ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल और IT1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो IT1 मतलब मेन थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा वो मेन जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि करंट कम्यूटेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे करंट के कारण जो हमारा मेन थायरिस्टर है वो क्या हो रहा है टर्न ऑफ हो रहा है। वेव फॉर्म में आप देख सकते हो जैसे IC फ्लो होना स्टार्ट होता है IT1 की करंट की वैल्यू क्या हो रही डिक्रीज हो रही है। अब जैसे IC की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हुई I नॉट के इक्वल हुई तो IT1 के थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया जीरो हो गया और T1 क्या हो गया टर्न ऑफ हो गया। तो ये आपका था करंट कम्यूटेशन या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन या क्लास B कम्यूटेशन।